हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम घर पे मक्खन कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए हम दूध लेंगे और उसको अच्छे से हम बॉईल करेंगे कि हमें इसकी मलाई चाहिए। दूध अब उबल रहा है तो हम इसको अब ऐसे ही रखेंगे जब तक नहीं ये अच्छे से ठंडा हो जाए। दूध अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम इसकी मलाई उठाएंगे। ये प्रोसेस हमें कुछ दिनों तक कंटिन्यू करनी है, जब तक ना हम जिस बर्तन में ले रहे हैं वो फुल हो जाएगा। इसके बाद इसे किसी वार्म जगह पे रखिए ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मलाई रेडी हो गई है, तो अब हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। हम इसको एक बर्तन में लेंगे, अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। 40 to 45 डिग्री तक होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा गर्म हुआ तो जो ये मलाई है ये पिघल जाएगी। अब हम इसको तेज़ घुमाएंगे ताकि इसके ऊपर जाग आ जाए। आप देख सकते हो कि इसको साइड में जाग आ रहा है। अब मक्खन आनी शुरू हो गई है, अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। अब हमें इसको आहिस्ता से घुमाना है। अब आप देख सकते हैं मक्खन छाछ से अलग हो गया है। अब हम इसको लेंगे, पहले ये देखना है कि कहीं ये गर्म तो नहीं है, तो इसको थोड़ी देर तक रख दीजिए जब तक ये ठंडा हो जाएगा। हमारा मक्खन तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बची हुई छाछ का हम पनीर कैसे बनाएंगे और इस मक्खन का घी कैसे बनाएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये हार्ड हो गया है। अब इसको रोटी पे या ब्रेड पे, जिस पे आप चाहो, सेपरेट करके मज़े से खा सकते हो। सो एंजॉय। जो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़।